अक़्वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर अहदेदार ने खबरदार किया कि यमन में सियासी हलचल और खाना जंगी के 7वें साल में दाखिल होने के साथ मुल्क के हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। लाखों यमनियों को महरूमी और किल्लत की तरफ ढकेल दिया गया है। अक़्वाम मुत्तहिदा ने यमन की सूरत हाल को दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान करार दिया है। अक़्वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन अफराद या मुल्क की 2/3 आबादी को इंसानी अमदाद की अशद जरूरत है। जारी सियासती बदामनी और खाना जंगी में 50 लाख अफराद को भूख की दहानी पर धकेल दिया है, जबकि 4 मिलियन बच्चे गजाइत से मरने के खतरे में हैं। माहिरीन का कहना है कि यमन हुकूमत और हाउती बागी मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए यमनी आवाम को अपनी लड़ाई में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यमन में इंसानी अमदाद के लिए अक़्वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची डेविड ग्रासली का कहना है कि हर एक दिन यमनियों के लिए एक जद्दोजहद है, जो सारा दिन खाने पीने के पानी और दवाइयों की तलाश में जद्दोजहद करते हैं, और ये एक फर्द या खानदान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यमन का अलमिया है। ग्रासले का ख्याल है कि यमन का बहरान हल किया जा सकता है, और इसलिए वह आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो यमन के लोगों की इंसानी अमदाद को जारी रखें।